हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शाहबाज एंड यू आर वाचिंग अवर यूट्यूब चैनल विधिक जागरूकता। आप सबके लिए एक और खुशखबरी है। मैंने पुरानी वीडियो में बताया था कि छत्तीसगढ़ की वैकेंसी भी आ चुकी है। अब जो लोग अभी तक छत्तीसगढ़ को नहीं ले अभी सीरियस नहीं थे, मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ की वैकेंसी भी बहुत अच्छी वैकेंसी, आप इसको भी फॉर्म फिल कर सकते हो और डेफिनेटली आपके लिए ये फ़ायदेमंद हो सकती है। मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने लास्ट टाइम जब 2017 में वैकेंसी आई थी, मैंने छत्तीसगढ़ DDPO का इंटरव्यू दिया था, तो मैं उस एक्सपीरियंस से आपको बहुत सारी चीज़ें बता सकता हूँ और समय समय पर बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊँगा भी। तो सबसे पहले मैं आपको नोटिफिकेशन की डिटेल नोटिफिकेशन की बात कर लेता हूँ, कौन कौन सी चीज़ें कॉमन है, कौन कौन सी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी है और कैसे कैसे पढ़नी है, थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ, ठीक है। और फिर डिटेल में आगे वीडियोस और भी लेके आऊँगा। तो सबसे पहले बता दूँ कि 27th ऑफ अगस्त को एक नोटिफिकेशन आया छत्तीसगढ़ PSC के द्वारा, जिसमें 67 वैकेंसी आई हैं, जिसमें 67 वैकेंसीज में आपकी टोटल 26 जो वैकेंसीज हैं ये आपकी जनरल की हैं, फिर उसमें SC ST OBC सब की हैं, ठीक है। तो इतनी सारी वैकेंसी, काफ़ी वैकेंसीज आई हैं, 10 आपकी SC की हैं, 23 ST की हैं, 8 आपकी अदर बैकवर्ड्स की, और फिर उसमें भी आपको क्या किया महिलाओं वगैरह का रिजर्वेशन अलग से है। तो सबसे पहले तो ये कितनी वैकेंसी है, 67 काफ़ी वैकेंसीज हैं जो अभी चल रहा है। तो एक तो आपके लिए एक और अपॉर्चुनिटी है, अगर आप लोग DLO का एग्ज़ाम देंगे, इनकेस DLO का आपका हो जाता है तो अच्छी बात है, DLO का नहीं भी होता है तो आपको परेशान नहीं होना, ADPO भी आपके लिए है, ये भी है, राजस्थान भी है, बहुत सारे हैं। देन हम बात करते हैं तो गजट ऑफिसर है, जिला सहायक लोक अधिकारी है, वेतनमान 38,100 स्तर 9 के हिसाब से आपको दिया जा रहा है, तो लगभग आपके पास इन हैंड आप अप्रॉक्स आपके पास 50,000 के आसपास आ जाएगा। एज जो अदर है, जो MP से अलग, जो छत्तीसगढ़ से अलग है, उनके लिए 21 से लेकर 30 है, और ये आपकी एज 1/1/2021 से गिनी जाएगी। और फिर कुछ जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं या कुछ अलग अलग लोगों को उसमें क्या दी गई है, कुछ छूट भी दी गई है, तो उनके बारे में अपन नहीं पढ़ते। जैसे छत्तीसगढ़ वालों के लिए एज 40 हो जाएगी, किसी के लिए 45 तक भी पहुंच रही है एज, तो ये आप इसको डिटेल्ड अपन बाद में देखेंगे, ठीक है। अभी अपन मुख्य चीज़ें देख लेते हैं। अब इसके बाद अपन फॉर्म भरने की जो तारीख होगी, तो फॉर्म भरने की तारीख अभी आपको मिलेगी, ये आपकी 8 सितंबर से चालू होने वाली है, जो आपको 7 नवंबर, ठीक है, सॉरी 7 अक्टूबर तक होने वाली है। तो 8 सितंबर से 7 अक्टूबर तक आपको ये फॉर्म भरे जाएंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि अगर कोई व्यक्ति तैयारी करने की सोच रहा है तो देखना चाहता है कि भैया सिलेबस क्या है, तो अपन चलो सिलेबस के बारे में बात करते हैं। तो भैया ये जो एग्ज़ाम है MP जैसे ही होने वाला है, जो MP का, मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था जब MP के बारे में वीडियोज़ बनाई थी, कि जो MP का आज का पैटर्न है ये छत्तीसगढ़ से उठा लिया लोगों ने, क्योंकि छत्तीसगढ़ में GK भी आती है और छत्तीसगढ़ में क्या आता है, लॉ भी आता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, तो 2 फेजेज होते हैं, एक होता है प्रीलिम्स और देन आपका सीधा इंटरव्यू होता है। तो एक परीक्षा, अपन उसको कुछ लोग कुछ मुख्य परीक्षा भी बोल देते हैं, कुछ लोग प्रीलिम्स भी बोल देते हैं, तो वो MCQ वाला होता है जो कंप्यूटर के माध्यम से होता है। सबसे पहले याद रखिएगा, एक ही पेपर होता है जो MCQ वाला होता है और कंप्यूटर से वहां पे पेपर्स होते हैं, ठीक है, ऑनलाइन आपके पेपर होते हैं, वो गोला भरने वाला नहीं होता है, ठीक है, वो MR शीट वाला नहीं होता। तो आप देख लेते हैं, सबसे पहले तो परीक्षा एक ही होगी, वो 300 नंबर का आपका MCQ वाला होगा और फिर आपका 30 नंबर का इंटरव्यू होगा, तो टोटल रिजल्ट आएगा वो 330 से आएगा आपका, और आपको 3 घंटे मिलते हैं, टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं, मतलब हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, ठीक। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। 50 मार्क्स का आपका क्या हो रहा है, छत्तीसगढ़ का जो सामान्य ज्ञान है, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान में उन्होंने स्पेसिफाई किया है कि क्या क्या चीज़ें आएंगी, तो छत्तीसगढ़ का जो सामान्य ज्ञान है ये आपका आएगा 50 क्वेश्चन आएंगे, अर्थात ये 100 नंबर का आएगा, और 100 क्वेश्चन आएंगे माइनर और मेजर एक्ट के, जो आपका कवर करेगा कितने नंबर, जो आपका 100 नंबर करेगा। तो सीधा सीधा कह दीजिए, 50 क्वेश्चन आएंगे GK के जो 100 नंबर के होंगे, और 100 क्वेश्चन आएंगे लॉ के जो 200 के नंबर होंगे, इनको मिला के 300 का होगा, और 300 के बाद इसमें माइनस मार्किंग वगैरह भी होगी, ठीक है, न्यूनतम भी बता दिए कि भैया न्यूनतम मार्क्स कितने चाहिए पढ़ेंगे, तो ये भी आप देख सकते हो, ठीक है, न्यूनतम। और अभी तक क्या थे, ABCDE ऑप्शंस आते थे, लेकिन इस बार ABCD ऑप्शंस आएंगे, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं, तो इन चीज़ों को अपन बाद में डिटेल्ड करके क्या करेंगे, इनका एनालिसिस और अच्छे से करेंगे। देन हम आते हैं GK की तरफ, तो GK में भी उन्होंने स्पेसिफाई किया है, मुख्यतः तो क्या आएगी,
छत्तीसगढ़ की जीके आएगी। और उन्होंने बता दिया जीके में क्या क्या आएगा भैया, हिस्ट्री एंड नेशनल मूवमेंट्स वगैरह, और कुछ कुछ उन्होंने स्पेसिफाई की है कि जो छत्तीसगढ़ की जो जीके होगी वो भी आएगी। तो आप एक बार जीके में, आपको आप स्लाइड अपने बगल में देख पा रहे होंगे, और इसको आपको चाहिए है तो आप टेलीग्राम में, टेलीग्राम में मैंने पोस्ट की हुई थी, टेलीग्राम में आप क्या करेंगे, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, ठीक है। तो आप वहाँ पर चले जाइएगा और वहाँ पर आप फाइल्स में जाकर इसको देख सकते हैं। तो ये जीके तो ठीक है, अपन बात करते हैं मेनली अभी लॉ की। तो जीके में भी क्या है, कुछ इस चीज़ें स्पेसिफाई हैं, जैसे इंडियन हिस्ट्री ऑफ इंडिया और नेशनल मूवमेंट, फिर बाकी छत्तीसगढ़ का क्या रोल था, जैसे एमपी अभी अपन एडीपीओ में कर रहे हैं कि एमपी का क्या रोल था, वैसे छत्तीसगढ़ का क्या रोल था, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि छत्तीसगढ़ से इंस्पायर होकर इन्होंने क्या हुआ है वहाँ का सिलेबस दिया है। देन लॉ की बात कर लेते हैं, तो कुछ मेजर है कुछ माइनर। कॉन्स्टिट्यूशन में सिलेबस स्पेसिफाई है, कॉन्स्टिट्यूशन है, आईपीसी है कंप्लीट, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट, मतलब एमपी वाले एग्जाम में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है लेकिन वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन भी है, आईपीसी है, सीआरपीसी है और इंडियन एविडेंस एक्ट है। देन माइनर की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट आपको देखने को मिल रहा होगा फर्स्ट नंबर पे, देन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, एससी एसटी एक्ट है, एनडीपीएस है, आर्म्स एक्ट है, फूड सेफ्टी एक्ट है, ये सब कंप्लीट है। लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट आ रही है आपकी, इसमें चैप्टर स्पेसिफाई है, राइट टू इन्फॉर्मेशन है, छत्तीसगढ़ वाले भी कुछ और एक्ट है, 2001 वाला है, 2005 टोहनी वगैरह है, प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल, ये भी एडीपीओ से आपको मिल रहा है, छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा और भी बहुत सारे, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट रील और रूल और रेगुलेशन। सीधा सीधा कहा जाए तो जिन्होंने पुराना एग्जामिनेशन अगर दिया था तो पुराना एग्जामिनेशन का पूरा इन्होंने उतार दिया है। ये सिलेबस आपका बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है, पूरा का पूरा पैटर्न और सारी चीज़ें हैं, शायद ऑप्शन 5 की जगह 4 करती है, बाकी पूरा का पूरा पैटर्न यही है। तो अगर आप छत्तीसगढ़ के एग्जाम की तैयारी कर रहे थे तो हमसे जुड़े रहिए, हम आपकी छत्तीसगढ़ की एग्जाम की तैयारी भी कराएंगे, और हम आपको ये तैयारी कहाँ कराने वाले हैं, ये हम आपको तैयारी अन अकेडमी में कराने वाले, और अन अकेडमी में जो तैयारी होंगी बहुत सारी आपकी फ्री तैयारी में कराने वाला हूँ, तो बहुत सारे मैं वहाँ पे पढ़ाऊंगा। तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो टेलीग्राम को और अन अकेडमी मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, और जल्दी हम छत्तीसगढ़ के माइनर और मेजर एक्ट को फ्री क्लासेस अन अकेडमी में लेके आने वाले, और ये डिटेल्ड क्लासेस होंगी जिसमें आपको पूरे के पूरे एक्ट कवर कराए जाएंगे। और आप आगे देखिए अन अकेडमी आप क्यों ज्वाइन कर सकते हो, और अन अकेडमी जो फ्री क्लासेस दे रही है, इनकी फ्री क्लासेस में आपको क्या क्या मिल सकता है। आज हम आपके लिए एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आए हैं, और ये वीडियो रिलेटेड है अन अकेडमी से। आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होंगी, और मैं बहुत समय से आप लोगों को एंकरेज कर रहा हूँ कि आप अन अकेडमी ज्वाइन करिए। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। अन अकेडमी है भारत का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो आपको ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, और इस जगह पर जो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं वो आपको क्या कर रहे हैं, एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप भीड़ से अलग होना चाहते हैं, अपनी तैयारी को नया आयाम देना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप क्या कर सकते हो, अन अकेडमी को ज्वाइन कर सकते हो। अन अकेडमी को ज्वाइन करने के पीछे जो रीजंस हैं, इसमें फ्री क्लासेस दी जा रही हैं, और ये फ्री क्लासेस के बहुत सारे स्पेशल फीचर्स हैं। जैसे ये फ्री क्लासेस लाइव होती है और इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होती हैं, टीचर आपको वहां पढ़ाता है, एमसीक्यू लगाता है, टेस्ट कराता है, वन टू वन इंटरेक्शन के साथ आपके डाउट्स भी वहां क्लियर करता है। पोल्स है, लर्नर्स के लिए पोल्स है जिससे आप टॉपिक को और अच्छे से समझ सकते हैं। रेज अ हैंड, जो प्लस सब्सक्राइबर होते हैं वो रेज अ हैंड करके टीचर से वन टू वन क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। कभी भी क्लास मिस नहीं होगी, आपको क्लास का नोटिफिकेशन आता रहेगा। आप अगर एक बार सब्सक्राइब कर लेते हो, फेवरेट एजुकेटर को सब्सक्राइब कर लेते हो, आप मुझे भी वहां पर जाकर सब्सक्राइब कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो अगर आप करते हो तो आपको चीजें मिलेंगी, लेक्चर्स, नोट, पीडीएफ, और कहीं से कभी भी आप क्लासेस ले सकते हो। तो बहुत सारी फैसिलिटीज आपको यहां पर प्रोवाइड की जा रही हैं। रोज मॉक टेस्ट होते हैं भैया, रोज सुबह मॉक टेस्ट होते हैं आपके, सुबह 9 बजे से रोज आपके जो 9 से 9:30 रोज आपके मॉक टेस्ट हो रहे, तो आप फ्री मॉक टेस्ट भी दे सकते हो। और मैं भी वहां मॉक टेस्ट करा रहा हूं रोज, आपको रात को 9 बजे आता हूं, मॉक टेस्ट कराता हूं, बहुत बेहतरीन मॉक टेस्ट हो रहे हैं। आप एक बार उनको ज्वाइन करके देखिए, आपको तैयारी बहुत आपकी बेहतरीन हो जाएगी। प्लान्स की बात करते हैं तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, बहुत सारे प्लान्स हैं, और इन प्लान्स पे अभी ऑफ भी चल रहा है, तो आप इन प्लान्स को भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो, तो आप मुझसे भी जुड़ सकते हो, अन अकेडमी से भी जुड़ सकते हो। अन अकेडमी से जुड़ना चाहते हो तो आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर यूट्यूब और टेलीग्राम में लिंक दी गई है, और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो तो विधिक जागरूकता चैनल, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आप यूट्यूब चैनल मेरे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और साथ साथ जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं उनके संबंध में बहुत सारी फ्री क्लासेस मेरे द्वारा लाई जा रही है अन अकेडमी में, तो आप जाके वो भी देख सकते हैं। और अगर आप जब लिंक पर क्लिक करते हैं क्लासेस के थ्रू, तो आप क्या कर सकते हो, उसमें एक कोड मांगा जाएगा, तो आप उसमें शाबाश 10
10 कोड यूज करिए SHABAZ, तो आप फ्री क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल में चले जाइए, टेलीग्राम चैनल में आपको रेगुलरली बहुत सारी एग्जाम की अपडेट्स मिलती रहेंगी, जैसे छत्तीसगढ़ का भी एग्जाम आया है, तो ये सारी अपडेट्स वगैरह आपको वहां पे डेफिनेटली मिलती रहेंगी। तो बाकी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम समय समय पर आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू।